ये हैं वो कंपनियां जो तिरुपति मंदिर को 1000 रुपए किलो से ज्यादा वाला घी सिर्फ 320 रुपए में बेचती थी। घी सप्लाई करने वालों में प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और एआर डेयरी हैं। इनकी कीमतें 320 रुपए से लेकर 411 रुपए प्रति किलो तक हैं। ये कीमतें शुद्ध घी के हिसाब से ठीक नहीं लगती हैं। तिरुपति मंदिर में सप्लाई किए जा रहे घी की शुद्धता को लेकर उठे विवाद में कर्नाटक की नंदिनी मिल्क डेयरी, अमूल और एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड सवालों के घेरे में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का एक वीडियो शेयर करके विवाद खड़ा कर दिया। अमूल, कर्नाटक की नंदिनी मिल्क और एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड पर तिरुपति मंदिर में सप्लाई किए जा रहे घी की शुद्धता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इस मामले की गूंज देश की संसद तक पहुंच गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को दूषित करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। इस बीच अमूल ने शुक्रवार को इस बारे में एक बयान जारी करके अपनी ओर से सफाई पेश की है। नारा लोकेश और आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के तिरुपति के लड्डू में एनिमल फैट, जानवर की चर्बी इस्तेमाल किए जाने के दावे के बाद एक कथित लेबोरेटरी रिपोर्ट से पता चला कि लड्डू में बीफ टेलो और मछली का तेल और अन्य घटिया सामग्री शामिल थी। इस रिपोर्ट में नमूनों में लार्ड सुअर की चर्बी से संबंधित की मौजूदगी का भी दावा किया गया। नायडू का दावा है कि मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी वाले मिलावटी घी का इस्तेमाल पिछली YSRCP सरकार के दौरान शुरू किया गया था। TDP की ओर से लैब रिपोर्ट प्रसारित किए जाने के एक दिन बाद TTD के कार्यकारी अधिकारी जय श्यामला राव ने कहा कि बोर्ड मिलावटी घी की सप्लाई करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया में है। शुक्रवार को तिरुमला के अन्नामैया भवन मीटिंग हॉल में मीडिया को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि नायडू ने ये साफ कर दिया है कि लड्डू प्रसादम की क्वालिटी और स्वाद को बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, लड्डू प्रसादम की पवित्रता को शुद्ध गाय के घी का उपयोग करके बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया भर के लाखों भक्तों की भावनाओं से जुड़ा है। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर को घी की आपूर्ति करने वाली तमिलनाडु की एआर डेयरी भी विवाद में घिर गई है। TTD के कार्यकारी अधिकारी जय श्यामला राव ने PTI को बताया, चेतावनी के बाद भी एसआर फूड्स के भेजे गए 4 घी टैंकर पहली नजर में ही घटिया क्वालिटी के पाए गए। राव ने कहा कि TTD के 5 घी सप्लायर हैं। ये सप्लायर प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और एआर डेयरी हैं। इनकी कीमतें 320 रुपए से लेकर 411 रुपए प्रति किलो तक हैं। ये कीमतें शुद्ध घी के हिसाब से ठीक नहीं लगती हैं। तमिलनाडु की एआर डेयरी ने कहा कि उनके प्रोडक्ट के सैंपल को अधिकारियों क्वालिटी के लिए कानूनी रूप से मंजूरी दी है। डिंडीगुल स्थित फर्म ने कहा कि केवल जून और जुलाई के दौरान ही उसने तिरुमला मंदिर को घी की सप्लाई की थी। जब भी सप्लाई की गई थी तब भी इसे मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला रिपोर्ट के साथ भेजा गया था।